सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। तो दोस्तों, थंबनेल देखकर तो आप समझ गए होंगे कि वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं कर रहा हूँ अपने चीते का, अपने प्यारे से पल्सर 150 का ओनरशिप रिव्यू। जी हाँ, एकदम सच्चा रिव्यू, जिसे कहते हैं ना कि कुछ नहीं छुपाना, सब कुछ बताना, वो वाला रिव्यू। जो लोग तो मेरे चैनल पर पहले जुड़े हुए हैं मेरे साथ, ऑलरेडी वीडियो देख चुके हैं, क्योंकि मैंने अपने इस चीते के साथ सात पास राइड भी की है, पूरा स्पीति सर्किट भी किया है, मनाली भी बहुत बार गया हूं मैं, और पंजाब से मतलब अपने सिटी से यूपी की राइड भी की है, अप डाउन। जैसे नेपाल जाने का प्रोग्राम था यूपी साइड से, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुई, नेपाल नहीं जा पाए, और खैर वो एक अलग बात है। तो 11.5 घंटे में 675 किलोमीटर तय किए थे मैंने अपने चीते के साथ। जी हाँ, बहुत अच्छी मशीन है बजाज वालों की, और भाई मेरा तो दिल जीत लिया मेरे चीते ने। दोस्तों, जिन लोगों ने मेरी वीडियोस नहीं देखी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप भूले भटके आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पैसे बिल्कुल नहीं लगते, और साथ में ये जो घंटी है ना, इसे भी टन टना दीजिए, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियोस अपकमिंग होगी, आने वाली होगी, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। दोस्तों, कसम से दिल जीत लिया है मेरा पल्सर 150 इस बाइक ने। बजाज वालों ने बहुत सी बाइक बनाई है, डोमिनार और भी बहुत सी, कितने नाम गिनूंगा, वीडियो लंबी होगी, फायदा नहीं है, लेकिन पल्सर 150 बेस्ट। अब आप कहोगे कि तुम्हारे पास है इसीलिए उसकी तारीफों के पुल बांध रहे। नहीं जी, इसकी कमियां भी बताऊंगा मैं, इसकी जितनी कमियां है वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि कमियां तो सब में होती है जी, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता, इंसानों में भी होती हैं। ये तो खैर इंसान की रची हुई रचना है, एक मशीन है, तो इसमें पॉसिबल है कमियां का होना, क्योंकि कंपनी जो होती है उसने अपना प्रॉफिट भी देखना होता है और मार्केट में कंपटीटर को भी देखना होता है, तो उसी लिहाज से कुछ ना कुछ प्रॉस भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं। तो दोस्तों, पल्सर 150 माइलेज की वजह से मतलब मेरे मन को छू गई है। आपको बताता हूँ कि मैं जैसे खासतौर से ये बात मैं उन बिगिनर्स राइडर के बात कर रहा हूँ जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जो चाहते हैं कि देखिए, हर एक राइडर का सपना होता है कि वो लद्दाख घूम कर आए और स्पीति जाए, बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी राइड्स करे। तो अक्सर वो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, मैं भी देखा करता था कि कौन सी बाइक अच्छी रहेगी, लेकिन फिर मैंने एक चैनल है फैल्कन राइडर्स, जी हाँ, उस चैनल पे मुझे बहुत अच्छी बातें पता चली, क्योंकि वो बंदा जो भी बात करता है एकदम टू दी पॉइंट फ्रैंकली बात करता है, कुछ छुपाता नहीं है, और वही आज मैं करने वाला हूँ कि कुछ आपसे छुपाऊंगा नहीं। दोस्तों, पल्सर 150 की माइलेज ने मेरा दिल छू लिया है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, यहीं पास ही में गाँव है उसका, उसके पास है KTM 390 एडवेंचर बाइक। तो बाइक तो उस बंदे ने ले ली है। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने घर वालों के इधर अंगूठा देकर मतलब फोर्स कर देते हैं कि हाय, मैं तो बस गया अगर मुझे ये बाइक नहीं लेके दी पापा। और मम्मी जो होती है वो तो आपको पता है कि बच्चों को थोड़ा दुलार ज्यादा ही करती है, तो मम्मी पापा को फोर्स करती है, और पापा फिर क्या कहते हैं कि मरता क्या ना करता, वो कड़वा घूंट पी लेते हैं और बाइक तो लेके दे देते हैं। बाद में पंगा ये आता है कि हाथी को खरीदना तो आसान है, लेकिन उसकी खुराक जो होती है ना, वो बड़ी मुश्किल होती है, सीधी सी बात है। दोस्तों, स्पीति जाना था तो मैंने उसको कहा कि चलो स्पीति राइड करके आते हैं। मैंने तो अपना पूरा मूड बना रखा था, मेरा बजट भी सेट था, सब कुछ सेट था, लेकिन उस बंदे ने मुझसे पूछा कि पाजी कितना को खर्चा आएगा। तो मैंने भाई कहा कि देखो, मैंने अपनी बाइक की जो मुझे माइलेज मिलती है, जितनी ये एवरेज देती है, उसके हिसाब से मैंने उसको बताया कि तकरीबन 1500 किलोमीटर होंगे, क्योंकि पहले
पहली बार मैं स्पीति जा रहा था तो मैंने यही सोचा था कि मैं खास खास जगहों पर जाऊंगा, और वो जर्नी का मतलब यही था कि मैंने बस एक बार रोड देख कर आनी है, उसके बाद में मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगा तो फिर आसपास सभी जितने भी रिमोट एरियाज हैं आसपास के सब वो सब घूम कर आऊँगा। लेकिन वो राइड मेरी 1500 किलोमीटर थी, पहले से मैंने मतलब किलोमीटर का आइडिया लगा रखा था और पेट्रोल का हिसाब भी निकाल रखा था, तो मेरी बाइक मतलब मुझे पता था कि ये 55 की एवरेज अगर मुझे मैदान में दे रही है तो हिल स्टेशन और मैदान सभी मिलाकर 50 की तो देगी, सीधी सी बात है 48-50 की एवरेज, तो ये ऐसे मैं स्टैम्प पेपर तक लेकर देता हूँ अगर बंदा सही तरीके से इसे चलाएगा तो 48-50 की एवरेज हिल स्टेशन में देगी। तो मैंने कहा कि मेरा 2800 या 3000 तक का फ्यूल लगेगा, तो उसने कहा कि मेरी बाइक तो भाई 25-28 की एवरेज बड़ी मुश्किल से देती है, तो मैंने कहा फिर तू 5500-6000 रुपये पकड़ के चल। तो उसने भाई इधर हाथ रखा, नहीं यार पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है, मैं यार इतना खर्चा, इतना पेट्रोल, अभी मेरे को गोप्रो भी लेना है, अभी मेरे को राइडिंग जैकेट भी लेनी है। मैंने कहा राइडिंग जैकेट को छोड़ यार, नी गार्ड एल्बो गार्ड है हमारे पास, क्योंकि देखिए भाई राइडिंग जैकेट सेफ्टी है लेकिन आपके सपनों से ऊपर नहीं है राइडिंग गियर। अगर आपने सोचा है कि आपने जाना है, अगर आपने लद्दाख जाना है मान लो, तो ये नेसेसरी नहीं है कि आप राइडिंग जैकेट होगी तो ही लद्दाख जाओगे। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक अच्छी बाइक, अच्छी से मतलब ये नहीं कि आपको निंजा चाहिए या आपको हायबुसा चाहिए या आपको बड़ी बड़ी बाइक चाहिए या डोमिनर 400 चाहिए या KTM 390 चाहिए, जी नहीं, लद्दाख सर्किट करने वालों ने तो पैलेटिना पे भी किया हुआ है, एक्टिवा पे भी किया हुआ है, एंटॉर्क पे भी किया हुआ है, मतलब ये 100cc बाइक से लेकर 125cc बाइक तक भी किया है। और कुछ लोग तो ये बताते हैं जो पुराने राइडर्स हैं, कभी किसी जगह पे मुलाकात होती है बड़े राइडर्स को जिनके मतलब बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं मिलियंस में, तो ट्रीट तो वो एज ए फ्रेंड ही करेंगे ना, चाहे मेरे जैसा छोटा सा राइडर हो, चाहे वो बड़े हों पुराने हों, एक मतलब क्या कहते हैं सेलिब्रिटी हों, तो वो लोग बताते हैं कि ये बजाज चेतक पर भी लोगों ने लद्दाख सर्किट किया हुआ है। तो ये मायने नहीं रखता कि आपके पास कौन सी बाइक है, मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में कहा था कि बाइक ने आपको नहीं लेकर जाना, आपने बाइक लेकर जानी है। यहां से एकदम ये है ना आपका, ये सेट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मैं तो जाऊंगा कुछ भी हो जाए। तो बस यही बात है कि अभी मैं बात करता हूं अपनी पल्सर की, ये ज्ञान तो चलता रहेगा, किसी और वीडियो में अगर आपने डिटेल में कुछ बात जानी हो कि लद्दाख के लिए क्या क्या ज़रूरी है, नेसेसरी है, मतलब ऐसी आइटम्स नहीं जो ज़रूरी नहीं है, वो आइटम्स जिनके बगैर लद्दाख में गुजारा नहीं है, वो आइटम्स मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, शायद नेक्स्ट वही आएगी। दोस्तों पल्सर 150 ने मुझे मतलब 55 की एवरेज दी है, बहुत अच्छी बाइक है, किसी तरह से मतलब उसको नकारा नहीं जा सकता। हाँ कुछ कमियाँ हैं उसमें, बिल्कुल कमियां हैं, जैसे कि हैंडल है जो मतलब थोड़ी सी, ये एक्चुअली पल्सर 150 है सिटी कम्यूटिंग के लिए है, आपने कॉलेज जाना है, आपने बाज़ार जाना है, खैर बाज़ार शॉपिंग के लिए तो मेरे ख्याल से स्कूटी अच्छी रहती है, सामान रखा जाता है, इस पर भी मैनेज हो जाता है, आप मतलब अच्छे से पीछे कुछ मतलब टॉप बॉक्स वगैरह लगा लो तो हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये खाली सिटी कम्यूनिटी के लिए बनी है, क्रूजिंग के लिए नहीं बनी, एडवेंचर के लिए नहीं बनी, लेकिन इसे एडवेंचर के लिए और मतलब क्रूजिंग के लिए बनाया जा सकता है। मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता उसे थोड़ा कर रहा हूँ, जैसे जैसे मतलब एक्सपीरियंस होता जा रहा है, जैसे जैसे मैं लंबी लंबी राइड्स करता हूँ, तो सीधी सी बात है दोस्तों अभी आपकी बार जो मैं लास्ट यूपी से राइड करके आया हूँ, मतलब मैं पर्सनल काम से गया था, मतलब ये नहीं था मेरा कि हाँ भाई मुझे मतलब क्या कहते हैं कि उसे शूट करना है और दिखाना है, क्योंकि पर्सनल काम मेरा यूपी में था, वहाँ प्लान बना मेरा कि नेपाल जाके आऊँ, फिर कुछ घर में प्रॉब्लम पीछे हो गई, फ़ोन वोन आ गए,
तो अगर मैं नेपाल जाता फिर तो मैं सभी शूट करता, लेकिन यूपी से रास्ते की थोड़ी मैंने हाईवे की, जैसे ईस्टर्न पेरिफेरल रोड है, एक्सप्रेसवे है, तो कुछ यूपी का मतलब जो वहाँ के लोकल क्या है, रोड की कंडीशंस क्या हैं, वो खैर एक अलग टॉपिक है, वो भी थोड़े थोड़े क्लिप आपको इसी वीडियो में दिखेंगे, आगे दिखेंगे। तो दोस्तों सीधी सी बात है, पल्सर 150 बहुत अच्छी बाइक है। इसकी कमियाँ क्या है कि हैंडल की जो हाइट है थोड़ी कम है, तो हैंडल को हम राइज कर सकते हैं। मतलब ये जो पल्सर वालों ने ना, अब ये क्या बजाज वालों ने दिया है कि अलग अलग हैंडल के वो दे दिए, फिक्सिंग दे दी है उधर, वो गलत है। अगर मतलब सेंटर में एक ब्रैकेट दी जाती तो उस पर आदमी कुछ भी कर सकता था। बहुत सी मतलब ऐसी वीडियोज यूट्यूब पे अवेलेबल हैं जैसे लोगों ने जुगाड़ किए हैं, तो बस जुगाड़ करके कुछ ना कुछ हाइट इंक्रीज की जा सकती है। अभी पल्सर के शॉकर है, शॉकर की मैंने हाइट बढ़ा दी है, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी बढ़ गई है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, किधर भी पत्थरों के ऊपर से कुदा सकता हूँ मैं, क्योंकि पावर की कमी नहीं है, पावर है। साथ पास कठिन रास्ता है, पत्थरों भरा रास्ता है, पूरा पत्थरों भरा पूरा रास्ता है। मेरी वीडियो आप देख सकते हो, मेरे चैनल पर है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मतलब जो जो मेन मेन वीडियोस मेरी हैं, मतलब स्पीति की हैं, साच पास की है, वो सब मैं डाल दूंगा। वैसे चैनल पे आए हो तो चैनल को पूरा एंजॉय करके जाइएगा, इंफॉर्मेटिव वीडियोज में बनाता रहता हूँ, थोड़ी टेक्निकल भी होती हैं, कुछ अलग टाइप की भी होती हैं, चैनल पर आए हो तो देख कर जाइएगा। तो दोस्तों एक कमी इसमें और है, जिसे मैं कहता हूँ कि कमी नहीं कहता, मतलब मैं ये कहता हूँ कि अगर चाहती बजाज कंपनी तो उसे थोड़ा सा बेटर बना सकती थी। जैसे कि इसमें पीछे जो इन्होंने हैंडल दिया, ग्रैब रेल के बोलते हो या कुछ भी बोलते हो, उसके पीछे थोड़ा, अभी देखिए छोटे छोटे जो 100 cc बाइक्स हैं उनके पीछे मतलब छोटे छोटे कैरियर बने हुए होते हैं, लेकिन इसके पीछे खाली वो बस हैंडल ही दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया, तो ये थोड़ी सी गलत बात है। बाकी सीट थोड़ी कम्फर्टेबल हो सकती थी, लेकिन उसे मॉडिफाई किया जा सकता है, थोड़ा अपने तरीके से हम बना सकते हैं जैसे मैंने बनाई हुई है। लेकिन मैं इतना लास्ट में कहूँगा दोस्तों, पल्सर 150 बहुत अच्छी बाइक है, आंखें बंद करके ले लीजिए। अगर आपका बजट मतलब वही लाख सवा लाख का है तो पल्सर 150 ले लीजिए, बहुत अच्छी बाइक है। क्योंकि सवा लाख मैंने इसीलिए कहा क्योंकि थोड़ा ऊपर भी पैसे लगते हैं, जब आपने कहीं जाने का प्रोग्राम बनाया होता है तो थोड़े एसेसरी पे पैसे लगते हैं। लेकिन ये बात तो सच है, पल्सर 150 बेस्ट बाइक। जो कमियां हैं वो भी मैंने आपको बताती, खाली हैंडल की कमी है, हैंडल थोड़ा सा नीचे है, तो उसे हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता उस पर, ठीक है जी। वो मेरे ख्याल से 1200 का हैंडल है, और उसके बाद में हाँ एक कमी और है, लेग गार्ड। जो लेग गार्ड दिया है ना वो क्या है, खिलौना है वो। तो अभी मैं लेग गार्ड अपने खुद डिज़ाइन करने वाला हूँ, मतलब जैसे मार्केट में अभी क्रैश गार्ड मिलते हैं बहुत महंगे महंगे भाई, 5000, 5300, 6000, 7000 तक मिलते हैं। ये जो जाना वाना कंपनियां हैं जहाँ बहुत सी होर भी हैं, HT एग्जास्ट वगैरह हैं, उनके बहुत महंगे आते हैं, तो भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब बंदे हैं। हाँ आप धड़ाधड़ वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल थोड़ा सा ग्रो करेगा तो यूट्यूब से कुछ आने लगेगा, तो भाई शायद गरीब का भला हो जाए। लेकिन अभी देखिए अभी कुछ नहीं मिलता, क्या करें, पल्ले से पैसे खर्च करते हैं। स्पीति राइड की थी वो मेरे ख्याल से मैं 25000 के आसपास खर्च करके आया था, श्रीनगर गया था वहाँ भी खर्चा हुआ मेरा, मतलब पल्ले से खर्चा करता हूँ। अभी जो कितने गैजेट है, देखिए अगर आप मोटो व्लॉगिंग का शौक रखते हैं तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मोटो व्लॉगिंग सबसे खर्चीला काम है, सबसे एक्सपेंसिव। अगर आप वैसे कोई कुकरी शो खोलो, कुकरी चैनल है आपका या कोई दूसरा चैनल है, तो उसमें आपका खर्चा क्या आएगा, एक कैमरा ले लीजिए, एक ट्राइपॉड ले लीजिए, एक माइक अच्छा ले लीजिए, और बस काम खत्म। इसमें आय हाय 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 भाई ढेरों तरह के तो इसमें माउंट लगते हैं,
ये इस एंगल से शूट करो, उस एंगल से शूट करो, हेलमेट पे माउंट लगाओ, सामने अपने आप को देखने के लिए माउंट लगाओ, फिर यहाँ एक आपका गोप्रो होगा, एक सामने से गोप्रो होगा, फिर व्लॉगिंग करने के लिए या तो फिर उसी को बार बार खोल के उसको अपने गोरिल्ला पॉड पे लगाओगे या फिर कोई दूसरा कैमरा लेना पड़ेगा आपको, तो ये बहुत खर्चीला काम है। अगर क्या कहते हैं ना कि अंटी में है कुछ, कीजिए। YouTube तो चाहती है कि जितने भी आए बाइकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आखिर में वीडियो ज़्यादा लंबी हो चली है, मैं तो बातें किए जा रहा हूँ। तो दोस्तों पल्सर 150 बहुत अच्छी बाइक है, आंखें बंद करके ले लीजिए अगर आपका बजट इतना है। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो मेरी भी आंख है एक बाइक पे, वो मैं अभी मतलब इसे सीक्रेट है, सीक्रेट ही रहने देते हैं, फ्यूचर में शायद अचानक ही उसका घूंघट उठा के आपको दिखाऊंगा मैं कि मैं कौन सी नई बाइक लेकर आया हूँ। ये मेरा चीता है तो वो शायद टाइगर होगा। तो खैर दोस्तों यहीं पे समाप्त करता हूँ। पल्सर 150 बहुत अच्छी बाइक है, आंखें बंद करके ले लीजिए। और लद्दाख राइड के लिए क्या क्या प्रिपरेशन चाहिए उसकी वीडियो भी आएगी, मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, उसके में कुछ बातें रह गई थी, वो अभी नई वीडियो बनाऊंगा। तो क्योंकि मैंने कुछ नया सामान भी खरीदा है, क्या क्या सामान खरीदा है वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो चलते हैं जी, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई। अभी थोड़ी बारिश होकर हटी थी, पूरा रात कल बारिश हुई थी, तो मैंने पंखा बंद किया हुआ है, नहीं तो उसकी वीडियो में आती तो आपको अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए गर्मी भी झेलनी पड़ती है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आपके सज्जनों मित्रों ने अगर कोई मन बनाना है तो वो भी ये वीडियो देख के अपना मन बना सकते हैं। तो ठीक है जी, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।